सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारे न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ जरीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं मैंगो कस्टर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है और ईद का त्यौहार है, मिठाइयों का टाइम है, मीठे का टाइम है, तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए आइए देखते हैं कस्टर्ड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये 5 चम्मच हमने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप चाहे तो बनाना कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं या कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। ये हमने एक मैंगो लिया है, 3 हमने बनाना लिए हैं, केले लिए हैं हमने, और आप चाहें तो कुछ और फ्रूट्स का भी इजाफा कर सकते हैं। केले भी डालना चाहें तो आप डालें, वरना हम मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं। थोड़ी सी ये हमने सेवइयां ली हैं, ये 1 कप हमने ये चीनी का लिया है, ये 1/2 कप हमने कंडेंस मिल्क लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालें तो डाल लें, नहीं डालें तो कोई बात नहीं, ये हम वैसे ही डाल रहे हैं। 1 किलो हमने दूध लिया है, ये हमने केक लिया है, ये भी ऑप्शनल है, आप डालें तो डालना चाहें तो डाल लें, वरना ये जायके के लिए है, टेस्ट के लिए है, ये हम डाल रहे हैं। ये हमने एक जेली का पैकेट लिया है, ये दूसरा भी हमने जेली का पैकेट लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे। ये हमने तकरीबन 1/2 कप के बराबर हमने ये दूध निकाला है और बाकी दूध हम बॉइल कर लेंगे। जब तक दूध बॉइल होता है, हमने ये जो दूध बचाया था इसमें हम ये कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कुटिया ना रहे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, ये दूध बॉयल हो गया। अब हम इसमें चीनी मिलाते हैं। साथ ही हम इसमें सेवइयां भी ऐड कर लेंगे। सेवइयां डाल के हमने सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट पकाना है। अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं जिसे हमने दूध में मिक्स कर लिया था। चमचा हमें चलाते ही रहना है। अब हम ये कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं, ये सिर्फ हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक मिनट हमने इसको अच्छे से चमचा चला के पका लिया है। अब हम इसे उतार लेंगे और ठंडा करेंगे। जब तक कस्टर्ड ठंडा होता है हम जेली बना लेते हैं। हमने इसमें 1/2 गिलास पानी डाला है। अब हम ये जेली का पैकेट डाल लें पूरा एक। इसे 1 से 1.5 मिनट पकाना है, बस ये इसमें घुल जाए फिर हम इसे उतार लेंगे। ये हमने रेड जेली का पैकेट लिया है, अब हम इसे उतार लेंगे। इसे हमने 2 मिनट पकाया है गर्म पानी में, और अब हम इसे इस तरह प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। इसी तरह हम ग्रीन वाली जेली भी इसी तरह बना लेंगे, सेम यही तरीके से। हमने इसमें भी 1/2 गिलास पानी डाला है, इसमें भी हमने यही करा है, पानी
पानी उबल गया, अब हम जीरे डालेंगे। इसे भी हमने 2 मिनट पानी में पकाया है, अब हम इसे उतार लेंगे। ग्रीन वाली को भी अब हम ऐसा बोल लेंगे। इसके अंदर हम ये केक रख देते हैं। आप चाहें तो केक को टुकड़े करके भी रख सकते हैं, चूरा भी करके रख सकते हैं, किसी भी तरीके से रख सकते हैं। हमने ऐसे ही रखा है केक। अब इस पर हम ये कस्टर्ड डाल रहे हैं, ये ठंडा हो चुका है। ये देखें हमने इसको डाल दिया है। अब हम इस पे आम की पीसेस रख रहे हैं। अब हमने ये आम की पीसेस रख दिए। अब हम ये केले की पीसेस डाल रहे हैं बीच में। ये इस तरह हमने बनाना लगा दिए। अब हम कस्टर्ड डाल लें। जेली को हमें इसी तरीके से उठाना है और बॉल में रख देना है। अब इस पे हम कस्टर्ड डालेंगे। इसी तरह हमें ग्रीन वाली जेली को भी देखिए हाथ से खुद ही हट जाती है। इसको आप हल्का हल्का इस तरह प्रेस कीजिए कि पूरी निकल जाएगी। इसको हमें इसी तरह उखाड़ कर इस पे डाल देनी है। इसी तरह इसमें चिपका देनी है। अब दोबारा हमें ऊपर से कस्टर्ड डालना है इसके ऊपर। अब इस पर हम ये मैंगो के पीसेस हैं वो रखेंगे। अब देखिए मैंगो रखकर हमने थोड़ी सी जेली और ही ऊपर रखी। और ये ग्रीन कलर की जेली और ऊपर रखी। अभी हमारा मैंगो कस्टर्ड तैयार है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और दुआओं में याद रखिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।